हेलो स्टूडेंट, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टील के एक चैप्टर के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बीम। बीम हम आरसीसी में भी पढ़ते हैं और स्टील स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। स्टील स्ट्रक्चर के लिए मैंने 3 वीडियो बना रखा है। अब मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं एक मोटिवेशंस के साथ हमेशा नेक्स्ट वीडियो में रहूं, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है आपको बस समझाने के लिए। बीम के मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। ये पार्ट 1 है, ठीक है। एक चीज मैं पहले बता देना चाह रही हूं कि जो स्टूडेंट शॉर्टकट चाहते हैं, प्लीज वो शॉर्टकट ना करें, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज मेरे हर वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम बीम की बात करते हैं। बीम क्या होता है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेक्शन है जिसे हम कंसीडर करते हैं एज अ बीम। आई सेक्शन से बहुत लोग रूबरू है। आई सेक्शंस आर आल्सो नोन एज अ बीम सेक्शन। आई सेक्शन मे बी डेजिग्नेटेड बाय इट्स डेप्थ एंड वेट। मतलब आई सेक्शन को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, डेप्थ बाय वेट। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने जो वर्ड बार बार बोली है, डेप्थ बाय वेट सबसे कॉमन यूज होने वाला जो सेक्शन है एज अ बीम मेंबर, वो है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, जो हमें बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं डिफरेंट साइज में। और इसे कैसे लिखते हैं, डेप्थ 600, वेट 735.8 न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, जे जूनियर बीम, डब्ल्यू का मतलब होते वाइड फ्लेंज बीम और एच का मतलब होते हैवी वेट बीम, ये हमें अवेलेबल होते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़े से मोर कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आईएस कोड 2007 हम फॉलो करेंगे। ये कोड है, इसकी मदद से हमें सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि क्या है हमारा विजुअलाइजेशन, कैसा है। टू सपोर्ट अ लैटरल लोड, ठीक है, लैटरल लोड हमारा ये है, विच आर पैरेलल टू मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें मोमेंट किसके अबाउट ज्यादा चाहिए, YY एक्सिस के अबाउट ज्यादा चाहिए। रोटेशन किसके अबाउट होगा, YY एक्सिस के अबाउट। तो सारे कॉन्सेप्ट के जानने के बाद मैं बीम को फाइनली डिफाइन करी कि व्हाट इज बीम। बीम कैरीज बेसिकली लैटरल लोड विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस टू द सेक्शन मेंबर, ठीक है, सेक्शन मेंबर के परपेंडिकुलर होता है। इट इज ए इम्पॉर्टेंट मेंबर इन ए स्ट्रक्चर। लोड्स कम फ्रॉम फ्लोर टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू सॉइल। मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल मेंबर है किसी भी स्ट्रक्चर का, जो रूफ्स के लोड को, रूफ मतलब छत से आता हुआ लोड को कॉलम से फिर सॉइल तक पहुंचाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम। बहुत सारे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए बीम यूज होता है, तो उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं, एक बार ओवरव्यू देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। मैं बस ये बता देती हूँ कि कितने टाइप्स के बीम होते हैं। टाइप्स का मतलब होता है कि डिफरेंट पर्पस में जब यूज होता है तो उसका नाम बस बदल जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जोस्ट होता है, गिडर होता है, पर्लिन होता है, स्ट्रिंजर होता है, फ्लोर बीम होता है, स्पैंड्रेल होता है, स्पैंड्रेल बीम, ग्रीट, रैक्चर्स एंड लिंटेल। ये 9 टाइप के बीम्स होते हैं, ठीक है, जो लोड को कैरी करने में मदद होता है। आइए दोस्तों, अब हम इम्पोर्टेंट जो हमारा बीम है वो फेल कैसे कैसे हो सकता है। मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ बीम में मैं बेसिकली 2 तरह के बीम्स के बारे में बात करूंगी। लैटरली, क्योंकि बीम हमारा किस तरह का लोड कैरी करता है, ट्रांसवर्स, दैट मीन्स लैटरली सपोर्टेड बीम। और दूसरा इसका है लैटरली अनसपोर्टेड बीम, हालांकि यह बीम छूट गया है,
यहाँ पे हम बीम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है लैटरली सपोर्टेड बीम दो तरह के होते हैं, एक है लो शियर, दूसरा है हाई शियर। अब भाई किस बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये लो शियर है या हाई शियर है? तो जो हमारा एक्चुअल जो शियर फोर्स है, एक्चुअल शियर फोर्स से हमेशा कम होना चाहिए, कम होना चाहिए डिजाइन शियर फोर्स, तो हम उसे बोलेंगे लो शियर सिंपली। लेकिन जो हमारा एक्चुअल शियर फोर्स ऑफ द सेक्शन मेंबर है, अगर वो ज्यादा है किससे? डिजाइन शियर फोर्स। डी का मतलब डिजाइन होता है और वी यहाँ पे कुछ और नहीं, सिंपली आपका शियर फोर्स ऑफ द सेक्शन मेंबर। ये दो चीज समझ आ गया। अब मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगी लो शियर का, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, ताकि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो मैं जो सबसे पहला जो स्टार्ट करूंगी न्यूमेरिकल, वो है न्यूमेरिकल वन। और इसमें हम ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है, आपके पास अगर IS कोड है तो मैं पेज नंबर नहीं बोलूंगी, क्योंकि पेज नंबर से लोग कन्फ्यूज होते हैं। ये क्लॉज जो है क्लॉज 821 IS 807 में जब देखोगे तो आपको ये कंडीशंस मिलेंगे। बीम चैप्टर में, IS कोड के बीम चैप्टर में आपको ये कंडीशंस मिलेंगे। अब दोस्तों मैं एक न्यूमेरिकल की मदद से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। एक कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ, एक कैंटिलीवर बीम है ऑफ लेंथ 4.5 मीटर, सपोर्ट्स ए डेड लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। कोई भी मेंबर है तो उसकी सेल्फ वेट भी एज अ डेड लोड बिहेव करेगी, ऑफ 18 किलो न्यूटन पर मीटर एंड लाइव लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन पर मीटर। एज्यूम अ बियरिंग लेंथ, ठीक है, बियरिंग लेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस में दे रखा है कि एज्यूम अ बियरिंग लेंथ ऑफ 100 मिलीमीटर। डिजाइनर बीम, मतलब हमारे पास तीन ही डाटा है। एक डाटा ये है कि हमारा बीम जो है वो कैंटिलीवर है और उस बीम की लेंथ 4.5 मीटर में है। इसकी डेड लोड गिवन है, बीम की डेड लोड गिवन है 18 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड कितना गिवन है? 12 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसकी बियरिंग लेंथ किसकी? इस बीम की बियरिंग लेंथ कितना गिवन है? 100 मिलीमीटर। एंड डिजाइनर बीम, अब हमें डिजाइन करना है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज आप टेंशन ना लें। स्टेप नंबर वन में हम ये करेंगे कि जो भी हमारा लोड है उसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम डेड लोड को निकालेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 किलो न्यूटन पर मीटर। फैक्टर लाइव लोड 1.5 से फिर मल्टीप्लाई किए, 18 आया। तो टोटल फैक्टर लोड हमारा कितना हो गया? 45 किलो न्यूटन। आपको कन्फ्यूजन कोई है? अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फैक्टर लोड हमने टोटल निकाल लिया। अब स्टेप टू में हमें निकालना है, किसी भी बीम को हमको चेक करना है कि वो बेंडिंग के लिए कितना है, उसमें बेंडिंग कितना है, उस सेक्शन का एक्चुअल बेंडिंग मूवमेंट कितना है, उस सेक्शन का एक्चुअल बेंडिंग मूवमेंट कितना है। एक्चुअल से हमेशा हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे डिजाइन करने के लिए, एक्चुअल से हमेशा कंपेयर करेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर कैंटिलीवर बीम हमें पता है WL स्क्वायर बाय टू। देखिए यहाँ पे ये W जो है वो फैक्टर लोड है, वो फैक्टर लोड है, ठीक है। तो फैक्टर लोड यहाँ पे क्या है? 45 × L। लेंथ कितना है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस में मैंने बताया है L की वैल्यू कितनी है, 4.5 मीटर। तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ये देखिए डिवाइडेड बाय टू मैंने निकाल लिया 456 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, सॉरी किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल बेंडिंग मूवमेंट है ऑफ कैंटिलीवर बीम। बार बार बोल रही हूँ एक्चुअल है, ये रियल में है। अब मैक्सिमम शियर फोर्स भी हमको निकालना है एट द सपोर्ट। मैक्सिमम शियर फोर्स एट द सपोर्ट कहने का मतलब है, ये अगर हमारा कैंटिलीवर है, ध्यान दीजिए, अगर ये हमारा कैंटिलीवर है तो इसका फोर्स जो होगा शियर फोर्स वो मैक्सिमम कहाँ होगा? इस एंड पे, जाहिर सी बात है।
तो हम इसका मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल लेंगे डब्ल्यू एल। डब्ल्यू कितना है, फैक्टर लोड इनटू लेंथ ऑफ द बीम, लेंथ ऑफ द बीम 4.5, तो 202.5 आ गया किलो न्यूटन। ध्यान दीजिए किलो न्यूटन। अब जब हमें पता चल गया है कि बेंडिंग मोमेंट फॉर द कैंटिलीवर पता है और मैक्सिमम के लिए हमने निकाल लिया है और शियर फोर्स भी हमने मैक्सिमम के लिए निकाल लिया है, तो क्वेश्चंस दो तरह से आ सकते हैं। या तो आपको सेक्शंस पता हो कि किस सेक्शन के लिए डिजाइन करना है, बीम में आपको ये नहीं पता है कि हम कौन सा सेक्शन ले रहे हैं, आई सेक्शन ले रहे हैं, टी सेक्शन ले रहे हैं, या हम हॉलो सेक्शन, हमें नहीं पता, हमें डिसाइड करना है कि कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए हम इसके लिए सबसे पहले पता करते हैं स्टेप थर्ड में, अगर हम सेक्शन मेंशन नहीं है तो उस सेक्शन को कंसीडर करने के लिए, अगर क्वेश्चन में बार बार मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ध्यान। अब हम थर्ड स्टेप में बात करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा सेक्शन हमें चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन बी। तो उसके लिए फॉर्मूला है बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय एफ वाई इंटू गामा एम नॉट। हमें एम नॉट, एम की वैल्यू हमने निकाल लिया है देखिए, जो कि किलो न्यूटन मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, न्यूटन मिलीमीटर, मिलीमीटर में चेंज कर लिया है। और जब मैंने इसे सॉल्व किया, अब देखो जब मैंने यहाँ पे एम वाई नॉट की वैल्यू 1.1 है, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे कुछ 2006 है, 2006.4 ये मुझे आया प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ बीम सेक्शन। तो एक्चुअल में जब मैं टेबल देखूंगी, मेरे पास जो आईएस कोड 800 2007 है उसमें मैं चेक करूंगी, तो या तो इसके आसपास की जो जो भी प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन बीम होगा उसे कंसीडर करूंगी। तो मैंने देखा कि मेरे पास वो जो बीम है, उस बीम का जो सेक्शन है जिसकी जेड पी जो है वो 2208.16 × 10³ मिलीमीटर क्यूब है, तो मैंने इस सेक्शन को कंसीडर कर लिया। दोस्तों मेरे पास आईएस कोड नहीं है, तो मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आप आईएस कोड में जब देखोगे सेक्शंस का सिलेक्शन, तो उसके सामने जेडपी की वैल्यू को देखो, या तो इसके आसपास से थोड़ा आगे या पीछे जब देखोगे तो आपको ये दिखेगा। फिर जेड ई हम क्या करेंगे, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ बीम सेक्शन, हमें इस सेक्शन के लिए पता है उसकी वैल्यू कितनी है, 1933.2 × 10³ मिलीमीटर स्क्वायर, ये है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ बीम सेक्शन। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको बताया कि हमारा सिलेक्शन हो गया है कि हम कौन से बीम को यूज कर रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग या लाइट, सॉरी लाइट बीम, चलिए मैं देख लेती हूँ, एल का मतलब यहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है आपको, एल का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है ये भी आपको आईएस कोड 800/2007 में गिवन है। अब देखिए इस सेक्शन की ओवरऑल डेप्थ जो है वो 550 है, विड्थ ऑफ फ्लेंज को मैंने बी एफ से डिनोट किया है, एफ मतलब फ्लेंज और विड्थ मतलब आप समझ रहे हैं 190 mm, ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको कोड में सारे सेंटीमीटर में होंगे पर मैंने मिलीमीटर में इसे लिख रखा है। अब देखिए दोस्तों थिकनेस ऑफ बेव, ये देखिए थिकनेस ऑफ बेव जो है वो 9.9 है और थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है 15 है, रेडियस ऑफ रूट, यहाँ पे एक नया है टर्म रेडियस ऑफ रूट, ये भी आपको उस सेक्शन की प्रॉपर्टी में गिवन होगा, जिस प्रॉपर्टी, जिस सेक्शन को हम कंसीडर करेंगे उसके प्रॉपर्टी में गिवन होगा, वो है रेडियस ऑफ रूट, ये है 18 मिलीमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस 53161.1। अब देखिए डेप्थ, अगर ध्यान से देखिएगा तो मैंने डेप्थ बताया है कि डेप्थ क्या है, अगर आई सेक्शंस कंसीडर किया है मैंने तो इसे मैंने डी माना है, तो डी का फॉर्मूला होता है ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 times ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज प्लस रेडियस ऑफ रूट। रेडियस ऑफ रूट की वैल्यू मुझे पता है जो मेरे पास है 18 mm और थिकनेस ऑफ फ्लेंज पता है 15, जब मैं इसे सॉल्व की तो 484 मिलीमीटर आ गया है।
ये हमारा थर्ड स्टेप क्लियर है। जब थर्ड स्टेप क्लियर है तो मैं बात करूंगी अपने फोर्थ स्टेप के बारे में कि सेक्शन क्या है, कैसा है, व्हाट इज सेक्शन। सेक्शन प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है या सेमी कॉम्पैक्ट है। उसके लिए दोस्तों मैंने इसलिए बार बार कोड का जिक्र नहीं किया है। अब जितने टाइम्स कोड देखोगे आप कंफ्यूज होगे, जैसा मैंने बनाया है आप बिल्कुल वैसा ही फॉलो कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां प्रॉब्लम होगी मैंने बता दिया, आप कोड को रिफर कर सकते हो। अब देखिए बी एफ बाई टू डिवाइडेड बाई टी एफ, हमें पता है बी एफ की वैल्यू, ये हमें पता है 192 डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई 50, तो मुझे आया 6.33, जो कि हमेशा कम होगा अगर प्लास्टिक है, सेक्शन अगर प्लास्टिक है तो 9.4e। और e क्या है, e इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई एफ वाई। e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, y है एफ वाई, तो इससे कम होना चाहिए, हमेशा कम होगा अगर सेक्शन प्लास्टिक है। सिमिलरली हम d बाई टी डब्ल्यू में चेक करेंगे तो डेप्थ अभी हमने निकाला है अपने लास्ट पेज से 484 डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ वेव 9.9, मुझे आया 48.9। ये भी कम होना चाहिए, कम होना चाहिए 84e। दैट मीन्स ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है फॉर द प्लास्टिक सेक्शन, यानी कि सेक्शन हमारा कैसा है, प्लास्टिक, हेंस द सेक्शन इज प्लास्टिक। और बीटा जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, किसके लिए, फॉर द प्लास्टिक सेक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप, शियर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। अब हम डिजाइन की बात करें, यहां देखिए मैंने डी लिखा है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा लोअर शियर है या हाई शियर है, ये कंडीशंस है। आप प्लीज ध्यान दीजिए, मैं चेक कर रही हूं कि हमारा जो सेक्शन है वो किसके लिए डिजाइन करूंगी। मैंने आपको बताया था, शायद मैंने आपको ये बताया है अपने लास्ट अपने इसी वीडियो में, कि अगर आप लैटरली सपोर्टेड बीम बना रहे हो तो उसमें दो केस आता है, लो शियर और हाई शियर। तो लो शियर के लिए मैंने बताया था कि जो भी है वो कम होगा 0.6 टाइम्स ऑफ वीडी। अगर हाई शियर है, सिंपली हाई है तो वैल्यू ज्यादा होगी, किससे, वी से। तो मैंने यहाँ चेक किया कि हमारा सेक्शन लो शियर है या हाई शियर है, तो उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा वीडी, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, जिसके लिए मुझे डिजाइन करना है उसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एफ वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 इंटू वाई एम नॉट, इसको गामा बोल सकते हैं, गामा एम नॉट इंटू एच, एच है ओवरऑल डेप्थ, इंटू टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू है थिकनेस ऑफ वेव। हमें पता है एफ वाई की वैल्यू 250 है, अंडर रूट 3 इंटू 1.1, ओवरऑल डेप्थ 550 है, थिकनेस ऑफ वेव, ये सारे वैल्यूज मैंने लिख रखा है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आई सेक्शन से मैंने निकाला है। जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो वीडी की वैल्यू, वीडी का मतलब हो गया डिजाइन सीयर स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, मुझे उस मेंबर में इतना सीयर कैपेसिटी के लिए डिजाइन करना है 714.47 किलो न्यूटन के लिए। लेकिन एक्चुअल में मैंने निकाला है जो उस एक्चुअल में जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्चुअल में वी की वैल्यू कितना है, 202.5। दैट मीन्स कि हमें चेक करना है कि वीडी 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 428.68। दैट मीन्स वी क्या है, कम है, वी क्या है, 202 है, और डिजाइन कितना आ रहा है, 428, यानी कि हमने एक्चुअल से ज्यादा डिजाइन कर रखा है, तो सेफ है और लोअर शियर कैपेसिटी के अंदर है, यानी किसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, लो शियर कैपेसिटी ऑफ सेक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने वी की वैल्यू बता दिया है, फर्स्ट स्टेप में ही निकाला है। जब वीडी मैंने निकाल लिया तो 0.6 टाइम से मल्टीप्लाई किया। अब देख लो, अब हम नेक्स्ट स्टेप में डिजाइन बेंडिंग मोमेंट ऑफ सेक्शन। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्चुअल में मैंने सीयर फोर्स निकाला, फिर मैंने बेंडिंग मोमेंट एक्चुअल में निकाला, अब मैं डिजाइन सीयर के लिए निकाल रही हूँ, अब फिर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन। एम डी
md का फॉर्मूला होता है बीटा बी जेड पी इंटू एफ वाई। जेड पी मुझे पता है, सेक्शंस जो मैंने लिया है उसकी वैल्यू मुझे पता है, जेड पी की वैल्यू सारे कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ देखिए, आप चाहो तो आप एक साथ लिख सकते हो जेड पी की वैल्यू, जेड पी बाई गामा एम नॉट, गामा एम नॉट। तो जब मैंने सारे वैल्यू डाला, बीटा बी यहाँ पे वन है, क्यों? क्योंकि सेक्शन प्लास्टिक है। आप देख सकते हो मैंने बीटा बी की वैल्यू निकाल रखी है, जेड पी की वैल्यू 2228.16 इंटू 10^3 इंटू 215 डिवाइडेड बाई 1.1। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे आया 506.4 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द सेक्शन फॉर द लो शियर सेक्शन बीम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.5 जेड ई इंटू एफ वाई बाई गामा एम नॉट। क्यों? क्योंकि ये कैंटीलीवर का केस है। 1.5 कैंटीलीवर की जगह पे, अगर कैंटीलीवर की जगह पे ये कैंटीलीवर की जगह पे अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता, यहाँ देखिए कैंटीलीवर के जगह पे अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता तो डिजाइन ऑफ बेंडिंग मोमेंट शुड बी लेस देन 1.2 सिंपली सपोर्टेड में। लेकिन हमारा क्या है, कैंटीलीवर है, तो 1.5 इंटू जेड ई इंटू एफ वाई बाई गामा एम नॉट से कम होना चाहिए। तो हमारा कौन सा केस है, कैंटीलीवर केस है। 1.5 इंटू जेड ई क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन जो कि क्वेश्चंस में गिवन है, 1933.2 इंटू 10^3। एफ वाई की वैल्यू पता है, गामा नॉट 1.1 है। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी कितनी आई, एम डी की वैल्यू आ गई हमारा 659 जो कि कम है। एमडी को जब मैं, एमडी की वैल्यू इस वैल्यू से कम होनी चाहिए। जब इसे मैंने सॉल्व किया तो 659 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो ये एमडी जो है वो कम है। तो ये सेक्शंस क्या है, ऑल राइट, सही है, सेक्शंस हमारा क्या है, सही है। अगर आपको ये चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दूं, एम डी शुड बी लेस देन 1.5 जेड ई एफ वाई बाई गामा एम नॉट। एम डी की वैल्यू कितना है, 506.4 इज लेस देन इक्वल टू 659। दैट मीन्स सेक्शन हमारा क्या है। आपको अगर यहाँ पे समझ नहीं आया है एम डी क्यों मैंने लिखा है, तो कह रहा है फॉर द कैंटिलीवर बीम एम डी की वैल्यू 506 है जो कि कम होना चाहिए 1.5 जेड ई इंटू एफ वाई बाई गामा एम नॉट। गामा एम नॉट की वैल्यू 659 है, दैट मीन्स अराउंड 560 है जो कि कम है 506 से, इसीलिए हमारा सेक्शन क्या है, सेफ है। अब हम डिफ्लेक्शन के लिए चेक करेंगे। डिफ्लेक्शन के लिए हमें पता है फॉर द कैंटीलीवर बीम हमारा फॉर्मूला क्या है, WL4/8EI। डिफ्लेक्शन के लिए बस एक ही चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये W हमारा सिंपली लोड होगा, तो लाइव लोड हमारा कितना है और डेड लोड कितना हमने ऐड कर दिया, और हमारा जो लेंथ है वो 4.5 मीटर है, L जो है वो 4.5 मीटर है, तो मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और 8 इंटू E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 2 × 10^5, और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि मेरा आई प्रॉपर्टी ऑफ आई सेक्शंस गिवन है। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो डिफ्लेक्शन जो है हमारा आया 14 mm, कितना आया 14 mm। अब हम जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउ करेंगे कैंटिलीवर बीम में, ये हमारा एक्चुअल है, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल में हमारा है, लेकिन हम कितना तक डिफ्लेक्शन अलाउ कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं, वो निकालना है L/150 mm। तो L हमारा फिर mm में हो गया,
डिवाइडेड बाई 150 जब हमने सॉल्व किया तो 30 mm है, दैट मीन्स बहुत ही कम है, एक्चुअल वैल्यू बहुत कम है। तो ये क्या, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट जो है हमारा वो है बेब बकलिंग। बेब बकलिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट है बियरिंग लेंथ। बियरिंग लेंथ क्वेश्चंस में गिवन है, आप चाहो तो क्वेश्चंस को जाके पढ़ सकते हो। लास्ट में बियरिंग लेंथ 100 mm है और N1 निकालने का फॉर्मूला होता है D/2। ओवरऑल डेप्थ हमें पता है, डिवाइडेड बाय 2 किया 275 हो गया। और ए भी क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बेब, क्योंकि हमें बेब में बकलिंग को चेक करना है। तो ए भी क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बेब। और डेप्थ निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि H-2 इंटू TF यानी थिकनेस ऑफ फ्लेंज प्लस R1 है रेडियस ऑफ रूट। जब मैंने इसे सॉल्व किया 550-2 इंटू 15+18 ये आ गया 484 mm। अब देखिए मैंने जब इसे सॉल्व किया एरिया को, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है B1+N1 इंटू TW। मैंने B1 बता दिया है कि B1 कहां से आया है, क्वेश्चंस के लास्ट लाइन में आप पढ़ो। बियरिंग लेंथ गिवन है 100 और मैंने इसे सॉल्व किया 550/2 इंटू वेव थिकनेस 9.9 तो मुझे आया 37125 mm². इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेव जो है फॉर द कैंटीलीवर कितना है, 0.7 times इंटू डी मैंने यहां से निकाल रखा है। आप देखो इसे जब मैंने सॉल्व किया तो 338.8 mm है, ठीक है, 338.8 mm। अब हमें स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन इन बियरिंग ऑफ बेव के लिए अगर निकालना है तो हम यहाँ पे निकालेंगे AB इंटू FY इंटू B मतलब बेफ डिवाइडेड गामा M0। हमें पता है कि हमारा जो AB की वैल्यू है वो है 3712.5 × 250 डिवाइडेड बाई 1.1। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो 77.0 × 10³ किलो न्यूटन, जो कि कम है वी से। वी की वैल्यू कितनी है, 202 point something किलो न्यूटन। दैट मीन्स हमारा बेब बकलिंग में भी ये सेफ है। थैंक यू दोस्तों।